Do washing machine. यह है मॉडल नंबर DWF750E. यह है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन. हम कन्वर्ट करने जाने वाले हैं. इसको भी हम टाइमर लगाएंगे. बढ़िया कौन का टाइमर 35 मिनट और स्पिन टाइमर हम लगाने वाले हैं. तो हम स्पिन टाइमर लगाने से पहले इनको जगह बनाना है टाइमर फिट होने के लिए. तो हम इसको काटने वाले हैं. ये दोनों को पूरी तरह से हम क्लीन करेंगे ताकि टाइमर बराबर से फिट हो सके. तो हम अभी काटने जा रहे हैं इसको. हमने यहाँ का काट दिया पूरे प्लास्टिक को. यहाँ पर हम टाइमर लगाने वाले हैं दो स्पिन टाइमर वॉश टाइमर वीडियोकॉन का. और ये काटना पड़ेगा हमको. ये काटने के बाद ही बैठेगा नहीं तो बैठने पॉसिबल नहीं है. ये नड़ेगा अभी हम काटने वाले हैं इसको. हमने यहाँ पे वॉश टाइमर स्पिन टाइमर हमने हो किया है. फिर इसको मारना बाकी है. उसके बाद हम यहाँ पर दो स्विचेस लगाने वाले हैं. इसको बोलते हैं टॉगल स्विच. हम यहाँ से इसको अंदर से हम इसको होल्ड करेंगे. ये भी स्विच है. ये हम ड्रम में फिट करेंगे ताकि जब ये ऑपरेट होगा तो ही स्पिन चलेगा. जब तक ये ऑपरेट नहीं होगा स्पिन नहीं चलेगा. तो हम स्पिन का वायरिंग हम इसमें कनेक्ट करके ही हम मोटर में देंगे. इसमें से जाएगा मोटर को सप्लाई स्पिनिंग के टाइम. ये हमारा काम बाकी है. हमने बहुत सारे जुगाड़ किए हैं. यहाँ से हमने सब काटे हैं ताकि टाइमर बैठ सके. जब तक ये था तब तक टाइमर बैठ नहीं रहा था. हमने यहाँ से भी हमने काटा है बहुत सारे. अभी हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे टाइमर को. यहाँ से हम दो होल करेंगे ताकि टॉगल स्विच यहाँ पर बैठ सके. इस तरह से इसको बैठाएंगे हम. तो ये वॉश स्पिन और ड्रेन के टाइम ये काम करेगा टॉगल स्विच. तो ये काम बहुत ही बाकी है. हमने टॉगल स्विच फिट कर दिया है. अभी वायरिंग करना बाकी है. और इसको भी हमको ड्रम में फिट करना है. बाकी है काम. अभी हमको नट बोल्ट लाना बाकी है. इसको नट बोल्ट से फिट करना है. तो नट बोल्ट अभी फिट करना बाकी है. अभी हम वायरिंग करने जा रहे हैं. हमने टाइमर फिट कर दिया है और एक स्विचेस फिट कर दिए हमने. ये वॉच टाइमर है इसमें चार वायर है. ये स्पिन टाइमर है इसमें दो वायर है. ये है मेन्स कोड वायर इसमें तीन वायर है. अभी हम वायरिंग करने जाने वाले हैं. इस वक्त मेन्स कोड का वायर वाइट इसमें लगेगा सेंटर में. क्लिपिंग करते हैं. मेन्स कोड का वायर छोटा था इसलिए हमने वायर ज्वाइंट किया है. और अब हम इसको यहाँ पर काट के स्विच में वायरिंग करने वाले हैं. अभी यह है मेन्स कोड का वायर. यहाँ पर दो स्विचेस हैं. तो कौन से स्विचेस में वायर लगाना है. फर्स्ट वाले में जो सेंटर वाला है उसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे. लूज है इसको टाइट करना है. ऊपर वाले में हमने टाइट कर दिया है. अभी हम स्पिन टाइमर का जो ऑरेंज मेन है उसको हम वॉश टाइमर में चार वायर है. ये मेन है ये बजर है और ये तो मोटर है.
तो जो मेन वायर है हम यहाँ पर वायर क्लिप लगा के नीचे हम सप्लाई देंगे। यहाँ पर मेन वॉश टाइमर का बड़ा वायर तो हमने काट दिया है, अभी हम इसको यहाँ पर लगा दिया है हमने नीचे के साइड। अभी हम यहाँ पर स्प्रिंग टाइमर का वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे। स्प्रिंग टाइमर में दो वायर है, एक वायर को हम इस स्विच में हम डालेंगे। अभी स्प्रिंग टाइमर का तीन वायर बचा है और वॉश टाइमर का तीन वायर और स्प्रिंग टाइमर का एक वायर बचा है। इसका मेन सप्लाई हमने यहाँ पर दिया है और स्प्रिंग टाइमर का सप्लाई यहाँ पर दिया है। ये मेन स्कूट का वायर सप्लाई जो सेंटर में गया है, ये दोनों जाएगा मोटर में डायरेक्ट। अभी यहाँ पर हम एक वायर ज्वाइंट करेंगे जो डायरेक्ट डीए को हम सप्लाई देंगे। यहाँ पर यह है स्पिन टाइमर का वायर, इसमें हमने दो वायर जोड़ा है इस तरह से। ये डायरेक्ट जाएगा ड्रेन मोटर के कनेक्टर में डायरेक्ट जाने वाला है। और जो हमने जो जोड़ा है दूसरा, ये यहाँ पर दूसरा जो स्विच है उसमें हम सेंटर में लगाएंगे इस तरह से। हमने सेंटर में लगा दिया है और अभी हम इसको टेपिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक वायर हम डायरेक्ट मोटर में देंगे ताकि जब स्पिन हो तो यहाँ से जैसे हम बटन को हम वर्क करेंगे नीचे करेंगे तो डायरेक्ट मोटर को सप्लाई चला जाएगा। हम यहाँ से एक एक्स्ट्रा वायर हम देने वाले हैं। अभी यह है स्पिन के जो मोटर में से सप्लाई जाने वाला है, इसको हम ऊपर हम कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ पर। और एक वायर हमको देना है बजर का कॉमन वायर, ये मेन सब बजर किला। बजर को दो वायर लगता है तो एक टाइमर से जाएगा एक कॉमन जाएगा। ये दोनों गया मोटर में। ये आपका ड्रेन मोटर, यहाँ पर एक ही वायर जोड़ना है, दो वायर जोड़ना नहीं है। जो गलती से जोड़ा गया था उसको हमने निकाल दिया है, तो एक ही वायर हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो ये डायरेक्ट ड्रेन मोटर को चला जाएगा और इसके बाद ये डायरेक्ट जब स्पिन होगा तब ये मोटर में चला जाएगा डायरेक्ट। यहाँ का सारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। बजर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर एक कॉमन वायर देंगे हम। यहाँ से जोड़ के एक नीचे जाएगा और ये दोनों हमने बजर के छोड़ा है। बजर को हमने मेन स्कोर से कॉमन दिया है, ये मेन स्कोर का कॉमन वायर है। एक डायरेक्ट मोटर और डीए को जाएगा नीचे। ये अर्थिंग वायर है जो बॉडी के साथ और मोटर के प्लेट के साथ जोड़ने वाले हैं हम ताकि अर्थिंग ना लगे। तो यहाँ के सारे वायरिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमको नीचे का वायरिंग करना है मोटर का। तो इस तरह से हमने सारे वायर को जोड़े हैं। ये वॉच टाइमर है, इसके दोनों वायर ये मोटर का है, ये बजर का है ताकि हम बजर लगाने वाले हैं। और ये मेन सप्लाई है जो ऑरेंज है। तो अभी हम नीचे का वायरिंग करने जाने वाले हैं अभी इस वक्त।
अभी हमको इस स्विच को फिट करना है इस मशीन में। तो यहाँ पर हम इसको स्क्रू मार के फिट करेंगे। पर स्विचेस फिट कर दिए हैं। हम सारे वायरिंग करने वाले हैं इस वक्त। अभी हम वायरिंग करने जा रहे हैं वॉच टाइमर के बजर के वायर और मेन सप्लाई को हमने कनेक्ट कर दिया है स्विचेस पे। अभी मोटर को हमको कनेक्ट करना है रेड और ब्लू। ये है रेड और ये ब्लू। हम दोनों भी हम मोटर में कनेक्ट करेंगे। हमने मोटर के टाइमर के दोनों को कनेक्ट कर दिया है और कैपेसिटर भी हम कनेक्ट करेंगे इसी दो वायर में। कैपेसिटर का दो वायर तो अलग अलग मोटर के वायर में हम कनेक्ट करेंगे। ये है मेंस कोड का कॉमन वायर जो मोटर और डीए को दोनों को आपस में हम जोड़ने वाले हैं। मोटर का वायर है रेड और व्हाइट, एक ही वायर में दो कलर है। और इसी तरह डीए के भी वायर रेड और व्हाइट दोनों एक साथ हम जोड़ेंगे इसको कॉमन वायर के साथ। वॉच टाइमर का वायरिंग हो चुका है। अब स्पिन टाइमर का वायरिंग बाकी है। एक स्पिन टाइमर का वायरिंग हमने ऊपर कनेक्ट किया है। ये मेन स्पिन टाइमर का वायर है और सेकेंड स्पिन टाइमर का वायर हम डायरेक्ट डीए को हम कनेक्ट करेंगे। हम डायरेक्ट डीए के वायर के साथ जोड़ेंगे इसमें। यहाँ पर हमने वाइट को डीए के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमने इसी वाइट के साथ हमने स्विचेस में हमने दिया है सप्लाई यहाँ पर और इसी से हम मोटर को सप्लाई देंगे। ब्लैक मोटर है ये ब्लैक वायर मोटर। हम इसको यहाँ पर सेफ्टी स्विच में हम कनेक्ट करेंगे और इसमें से मोटर को सप्लाई जाएगा स्पिनिंग के टाइम। स्विचेस से आया हुआ वायर जो टाइमर स्पिन टाइमर के साथ जुड़ा था उसको हमने इस स्विच में कनेक्ट किया है और इस स्विच के साथ ही दूसरा वायर हम मोटर में हम देंगे। अभी हमको पता नहीं इसका गेयरबॉक्स स्पिनिंग के टाइम कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लगा के चेक करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे। हमने स्विच की खाँचा बनाया है ताकि हम तार को जब लपटे तभी वो निकल ना जाए। अभी हम तार लपेटने वाले हैं इसको। हमने इस तरह से इसको तार लपेटा है। जब ड्रेन मोटर खींचेगा तभी इस तरह से इसको पुश करेगा तो ही स्पिन होगा, नहीं तो स्पिन नहीं होगा। हमने इसको इसके लिए लगाया है जब डीए खींचने के बाद ही स्पिन हो। तो हम इसको भी यहाँ पर फिट करेंगे, इसके बाद हम डीए के साथ इसको जोड़ेंगे। इसको यहाँ पर एक तार बांधा है यहाँ पर हमने ताकि जैसे डीए ऑन होएगा हम चालू करेंगे। जैसे ही डीए ऑन होगा उसी तरह ये स्विचेस तो मोटर को सप्लाई जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से किया है। करेंगे मशीन को वॉच के टाइम हमको इस तरह से घुमाना है। ये वॉश हो रहा है। वॉश करने जा रहे हैं। इसको सिलेक्टर को नीचे करना है और इसको घुमाना है। ये ड्रेन हो गया। इसका मोटर का वायरिंग हमने गलत किया है, इसलिए इस तरह से गियरबॉक्स घूमता है।
आपको मोटर का वायरिंग थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये वायर यहाँ पे लगाया था, अगर हम ये वायर यहाँ से निकाल कर इसको कनेक्ट करेंगे तब स्पिन बराबर चलने वाला है, क्योंकि अभी खाली पल्सेटर घूम रहा था स्पिनिंग के टाइम, क्योंकि हमने वायरिंग उल्टा जोड़ा था इसके लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या देव का गियरबॉक्स क्लॉक वाइज घूमता है या एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा था, उनको मालूम पड़ा। अभी हम स्पिन का टाइमर वायर को हम यहाँ पर घुमा देंगे तो प्रॉपर चलेगा। देख सकते हैं हमने मोटर का वायर को अल्टी पल्टी कर दिया, अभी फिर चल रहा बराबर से। तो ये स्पिन टाइमर के थ्रू जैसे ही ये रुक जाएगा वैसे ही स्पिन रुक जाएगा वॉश के लिए, इसको ऊपर करना है। वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया देव को टाइमर में, पीसीबी को हमने कन्वर्ट कर दिया है टाइमर सिस्टम में, पूरी तरह मशीन अभी टाइमर में चलेगा, वॉश स्पिन ड्रेन सब कुछ होगा।